गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को आगे आज प्रोसेस करेंगे। हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे और कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे, जैसे स्पीकर है आपका, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर स्क्रीन, ये हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़े थे। इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे सीपीयू, यानी कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। बच्चे सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, हमें इनपुट डिवाइस से इनपुट मिलती है, आउटपुट डिवाइस से हम आउटपुट देते हैं, लेकिन जो इनपुट आने के बाद आउटपुट हमें मिलती है, उसकी जो बीच की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर, वो सीपीयू के थ्रू होती है। मीन्स सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर के ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एज प्रीवियस हमने डिस्कस भी किए थे, ALU, CU एंड MU। दीज आर द थ्री पार्ट, ALU, CU एंड MU, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। बच्चे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इफ द इनपुट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो हमारी प्रोसेस होने के लिए ALU यूनिट के पास जाएगी। जो CPU थ्री यूनिट्स में डिवाइडेड है ALU, तो वो हमारी यूनिट ALU के पास आएगी, राइट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करती है बच्चे, ये जितने भी इनपुट सिग्नल्स आते हैं और आउटपुट तक जाने के लिए उनको जो कंट्रोल करता है उनको, वो कौन सी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। मीन्स ये हमारे सारे सिग्नल्स की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। MU मेमोरी यूनिट, कोई भी इनपुट इंस्ट्रक्शन बच्चे आ रही है और उससे हम जब आउटपुट देते हैं तो उसको कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए होता है, राइट। तो वो जो स्पेस एलोकेट होगा वो मेमोरी यूनिट के थ्रू होगा। तो ये तीन यूनिट्स है हमारे सीपीयू की, ओके। तो दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। बच्चे सीपीयू को हम फदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, और या फिर हम इसको अगर अपने लैंग्वेज में बोलें तो इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे सीपीयू की जो थ्री यूनिट्स है, पूरे सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फैन है, केबल्स है, सारी की सारी पूरे सीपीयू में नहीं होते। सीपीयू के अंदर एक चिप होती है, उस चिप को हम बोलते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, राइट। तो सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होते हैं। मींस मदरबोर्ड के ऊपर वो सारे लगे हुए हैं, सारे के सारे इस मदरबोर्ड पे। तो मेन पार्ट जो सीपीयू के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है, दैट इज मदरबोर्ड, राइट। एंड द लास्ट हार्डवेयर कंपोनेंट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मीन्स जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये हमारा टू टाइप्स में हमने फ्लो डायग्राम में भी देखा था बच्चे, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज आर दो स्टोरेज डिवाइसेज दैट आर कनेक्टेड इंटरनली टू द सीपीयू, एक्सटर्नल आर दोज दैट आर कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑन द सीपीयू, जिनको हम यूजर यूज करते हैं एक्सटर्नली, लाइक आपका CD है, DVD है, पेन ड्राइव है। बच्चे इंटरनल को दूसरे नाम से भी हम डिनोट करते हैं, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट। अब हम पढ़ते हैं पहले इंटरनल प्राइमरी डिवाइसेज। इंटरनल प्राइमरी डिवाइस में बच्चे हमने फोर पार्ट्स देखे थे, वन इज रैम, रोम, कैशे, हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले जो बेसिक में हमारे पास आते हैं रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। बच्चे रैम और रोम ये हमारे सीपीयू के अंदर माउंटेड होते हैं, एज दे आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, ये सीपीयू के अंदर हमारे माउंटेड होते हैं स्टोरेज के लिए। दोनों की अलग अलग फंक्शनिंग है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रैम आपकी होती है बच्चे जो एक ग्रीन कलर का स्केल आपके सीपीयू के अंदर होता है, दैट इज रैम, ओके। तो रैम की फुल फॉर्म होती है बच्चे रैंडम एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी। एंड रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के
जो सिमिलरिटी है वो एक ही सिमिलरिटी है, दैट दीज आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. सिर्फ इनकी एक ही सिमिलरिटी है. अब इनके डिफरेंसेस अगर हम बात करें बच्चे, तो इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक, देखिए, रैंडम, कभी कभी, ठीक है, अगर हम नेम से सजेस्ट करते हैं तो रैंडम एसेस मेमोरी, ये वो मेमोरी दैट इज रैंडमली कभी कभी एसेस होती है, या फिर रैंडम कुछ टाइम के लिए होती है, रैंडम फिर उसके बाद नहीं होती, मीन्स कुछ टाइम के लिए कभी है कभी नहीं है, दैट इज ये कौन सी मेमोरी आपकी, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, राइट, दिस इज टेम्परेरी मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी फिर क्या हो जाएगी, आपकी परमानेंट है. बच्चे रैंडम एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी में क्या होता है कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, या कंप्यूटर के अंदर आप जो भी वर्किंग कर रहे हो, वो वर्क आपका कहाँ पर स्टोर होता है, रैम पे. हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होगा. अगर आप एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हो, पेंट में काम कर रहे हो, आपने उसको सेव कर दिया, तो वो पहले कहाँ पर सेव होता है, रैम में सेव होता है, ठीक है, उसके बाद वो हार्ड डिस्क में जाता है. तो वो प्रोग्राम आपका कहाँ पे सेव होता है, रैम में. कोई भी मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसपे आप करंटली वर्किंग हो, ठीक है, तो वो प्रोग्राम कहाँ सेव होगा, रैम में. यानी कि इसको यूजर जो है वो एडिट कर सकता है. अगर यूजर उसको एडिट कर सकता है, यूजर ने अभी कोई प्रोग्राम बनाया, थोड़ी देर बाद उसने उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन किया, वो उसमें कुछ भी एडिट कर सकता है, मीन्स ये चेंज होती रहती है, तो ये क्या है, टेम्परेरी है. बट रोम में क्या है बच्चे, रोम में हमारे प्रोग्राम सेव नहीं होते. रोम में जो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, ठीक है, चाहे वो एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है, आपका पेंट का सॉफ्टवेयर है, किसी गेम का सॉफ्टवेयर वो है, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करेंगे, वो आपके रोम में होते हैं. तो रोम में जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, ठीक है, जिनको आप सिर्फ रीड कर सकते हो कि कैसे काम करेंगे, ठीक है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो. अगर आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मीन्स एडिटेबल नहीं है, तो ये परमानेंट है. जो उसमें पहले लिखा हुआ था वही उसमें बाद में लिखा हुआ होगा, मीन्स वो रीड ओनली मेमोरी है, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते. उसके बाद बच्चे, इसके बाद हमारे इसमें कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं, लाइक दैट हम बोलते हैं कि रैम क्या है, हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम क्या हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज दैट हम रैम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सेव करते हैं, या हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रैम में सेव हो जाते हैं. वो कब तक सेव होते हैं, जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई मिल रही है, तब तक वो रैम में सेव होते हैं. अगर हमने सेव किए हुए हैं, हमने सेव के बटन पे क्लिक किया हुआ है, या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस के साथ रैम में सेव किए हुए हैं, तब तक वो रैम में है. जैसे ही हमारी पावर सप्लाई चली जाती है, वो रैम में से निकल के वो हार्ड डिस्क में चले जाते हैं. तो ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी भी यही है. वोलेटाइल मेमोरी आपकी क्या डिफाइन करती है, वोलेटाइल मेमोरी आपकी डिफाइन करती है दैट इट इज अ मेमोरी, इट स्टोर मेमोरी अंटिल और अनलेस द पावर सप्लाई इज ऑन, कि मेमोरी को तब तक, या कोई भी डेटा है उसको तब तक ही स्टोर करके रखता है जब तक हमारी पावर सप्लाई है. जैसे हमारी पावर सप्लाई गई, हमारा डेटा भी वहां से चला जाता है. अगर मैं आपको इसकी डिफाइन की बात करती हूँ, तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से होगी, रैम स्टोर इंस्ट्रक्शन, या द इंस्ट्रक्शन इन रैम विल बी इरेज्ड एज सून एज द पावर सप्लाई ऑफ, कि पावर सप्लाई जैसे ही ऑफ हो जाएगी, हमारे रैम के अंदर से डेटा भी इरेज हो जाएगा. नॉन वोलेटाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉन वोलेटाइल में है, अगर हमारी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, हम उसके बाद भी हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं. इसकी आपकी होगी कि इट इज अ परमानेंट मेमोरी, इट होल्ड्स द डेटा एंड वी कैन फैच द डेटा आफ्टर द पावर सप्लाई टर्न ऑफ, कि अगर पावर सप्लाई चली जाती है उसके बाद भी हम जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो हम रोम में से डेटा को फैच कर सकते हैं, ठीक है. इसके बेस पे आपके बच्चे रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और आपकी डायनामिक रैम, ये दो पार्ट्स के हैं.
यहाँ पे आपके रोम जो है वो बच्चे तीन पार्ट पे है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। जो ध्यान से सुनना, ये रोम के टाइप्स हैं, यानी कि हमारी परमानेंट मेमोरी के टाइप्स हैं। इनकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम, रोम की तो आपको पता ही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्लियर है? इसमें बच्चे आपके जो पी रोम है इसको हम कभी भी एडिट नहीं कर सकते, ये परमानेंट होती है। ईपी रोम इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आपकी एडिटेबल है, इसको हम अल्ट्रा वोलेट रेज के हेल्प से एडिट कर सकते हैं। ईईपी रोम जो होती है बच्चे ये आपकी इरेजेबल है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसको आराम से कर सकते हैं। मींस जो ये टास्क है एडिट करने का ईईपी रोम में, ये हमारा थोड़ा सा इजियर होता है, लेकिन ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि अल्ट्रा वोलेट रेज के थ्रू जो रोम हमारी एडिट होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ईपी रोम को एडिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ईईपी रोम थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ता है। तो बच्चे ये हमने सिर्फ आज रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये अपने घर पे भी रिकैप करना है। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको कुछ एक वर्कशीट और प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे ये वर्कशीट आप लोगों के नोटबुक में मिलनी चाहिए व्हेन एवर योर स्कूल्स ओपन, और साथ साथ मैं आप लोग ट्राई करना, आप इनके आंसर्स सर्च करके मुझे कमेंट में इनके आंसर भी रिप्लाई में देना कि इसका ये आंसर होगा। ओके, थैंक यू।